ప్రధాని మోదీ రాష్ట్రంపై వరాల జల్లు కురిపించారు. పసుపు రైతులకు మేలు చేసేలా జాతీయ పసుపు బోర్డు ప్రకటించారు. రాష్ట్రానికి కేంద్ర గిరిజన యూనివర్సిటీని మంజూరు చేశారు. ములుగు జిల్లాలో సమ్మక్క సారక్క ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రధాని తెలిపారు. సమ్మక్క సారక్క గిరిజన విశ్వవిద్యాలయానికి 900 కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ గా హెచ్సియు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. कोरोना के बाद हल्दी को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है और उसकी दुनिया भर में डिमांड भी बढ़ी है. आज ये आवश्यक है कि हल्दी की पूरी वैल्यू चेन में उत्पादन से लेकर निर्यात और रिसर्च तक और अधिक प्रोफेशनल वे में ध्यान देने की जरूरत है, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है. इससे जुड़े एक बड़े फैसले की आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं. केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है. नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा. मैं तेलंगाना और देश के सभी हल्दी पैदा करने वाले किसानों को नेशनल टर्मरिक बोर्ड की उसके गठन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. ना कुटुंब सभ्युल्लारा, मैंने आज हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न भवनों का उद्घाटन किया. हैदराबाद विश्वविद्यालय को भाजपा सरकार ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया है और विशेष फंड उपलब्ध कराया है. आज मैं आपके बीच एक और बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं. भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है. और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा. समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे. मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. एक बार फिर तेलंगाना के लोगों को उनके प्रेम और स्नेह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं.